हेलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे नए सेशन से। टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू कवर, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। अगेन इट इज नीडलेस टू से CACS और CW है, CACS और CW कोई भी ये लेक्चर देख सकता है जिनको ये टॉपिक है, बट एक्सक्लूसिवली हमारा कवरेज है। अच्छा नमस्कार, सो अपना कवरेज कहाँ पे है? प्रोसेस कॉस्टिंग पे, फाइन। और अगर अभी हम देखेंगे यहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग में, सी व्हाट आई हैव डन, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ प्री रिटन थियोरी रहेगा, फिर अपना एग्जांपल के साथ स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप मॉड्यूल देखते हो अपना, तो मॉड्यूल चैप्टर नंबर 10 प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग, जो हम लोग क्या करने वाले, कवर करने वाले। ओके फाइन, सो इफ वी हैव अ लुक व्हाट इज प्रोसेस कॉस्टिंग सर, तो समझना व्हाट इज प्रोसेस कॉस्टिंग। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। देखो एग्जांपल, सबसे पहले ये प्रोसेस अपना ये बुक वगैरह बता दिया है यहाँ पे। अभी प्रोसेस कॉस्टिंग के लिए एक एग्जांपल है, मान लो आप स्टूडेंट हो, आप क्या हो, स्टूडेंट। अच्छा, आपको CA बनने का है, ऐसा है क्या कि एग्जाम दिया सीधा CA बन गया, या देर इज अ प्रोसेस विच यू नीड टू फॉलो? अगर आपको CA बनने का है तो यू नीड टू फॉलो अ प्रोसेस। प्रोसेस में क्या आता है सर? पहले फाउंडेशन देने का, पहले CPT हुआ करता था, अभी फाउंडेशन बोलते हैं, देन IPCC बोलते थे, अभी उसको क्या बोलते हैं, इंटर बोलते हैं, इंटर ऐसा रखते हैं। फिर इंटर के बाद आएगा आपका फाइनल एग्जामिनेशन, और फाइनली देखो आपने स्टार्ट कैसे किया था, ऐसा एक जो स्टूडेंट और आपके सर पे वो आ गया और आप बन गए CA करके। सो दिस इज द प्रोसेस। इफ यू वॉन्ट टू बिकम समथिंग, देर इज अ प्रोसेस विच इज इन्वॉल्व, फाउंडेशन, इंटर एंड CA फाइनल करके। सेम हैपन्स जब यहाँ पे आप स्टूडेंट थे, आप क्या थे, रॉ मटेरियल। व्हाट इज रॉ मटेरियल सर? रॉ मटेरियल मतलब ऐसा चीज जिसके ऊपर काम शुरू नहीं हुआ है, और किसी भी चीज के ऊपर काम खत्म होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, फिनिश गुड्स, कि काम खत्म हो गया। और इसके प्रोसेस में जो होता है ना, उसको बोलते हैं WIP। WIP का आपको पता होना चाहिए क्या होता है अच्छे से, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्किंग इन प्रोग्रेस। आप खुद एक WIP हो, हम इंटर में पहुंच गए कैसे कैसे, जब ये फाइनल क्लियर हो जाएगा तो अपना काम खत्म हो जाएगा, फिनिश गुड्स, और फिनिश गुड्स बन जाएंगे। अच्छा, नॉर्मली फिनिश गुड्स को मार्केट में क्या करते हैं सर? फिनिश गुड्स को मार्केट में सेल करते हैं। सेम वे वंस यू बिकम CA, आप अपना टाइम सेल करोगे और उससे क्या कमाओगे, पैसा कमाओगे। फाइन, सो दिस इज हाउ आई कैन सी दैट। सो इफ देर इज अ रॉ मटेरियल, लेट अस से कोई क्लोथ वगैरह है, उससे शर्ट बनाने का है, तो फिनिश गुड्स मतलब शर्ट बनाने का है, तो शर्ट बनाने के लिए कुछ प्रोसेसेस इन्वॉल्व रहेंगे। लेट अस से 3 प्रोसेस, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। एक डिपार्टमेंट में आई कैन से यहाँ पर कटिंग होता है, कपड़े का कटिंग होता है, यहाँ पे उसका स्टिचिंग होता है, यहाँ पे उस पर कुछ एम्ब्रॉयडरी की जाती है और पैकिंग किया जाता है, और यहाँ पे फाइनली वो फिनिश गुड्स बन जाता है। सो देर आर प्रोसेसेस विच आर इन्वॉल्व करके। अच्छा, अब मैं ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ एक फिनिश गुड्स का अपना टोटल कॉस्ट आ जाएगा, लेकिन फिनिश गुड्स का अपने भी CA बनने से पहले टोटल फीस कितनी लगती वो पूछे रहेगी, फिर वो फीस में ये तीनों लेवल का फीस भी अपने को इंडिविजुअली पता रहेगा। सेम वे अगर मैं बोलता हूँ एक फिनिश गुड्स को बनने में 100 रुपीज लगता है, ये उसका क्या है, कॉस्ट। सर कॉस्ट क्यों पता होना चाहिए? अरे ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस डिसाइड करेंगे तो कॉस्ट तो पता होना चाहिए। अभी कॉस्ट को बाइफर्केट किया जाएगा, इधर 50 रुपीज लगता है, इधर 30 रुपीज लगता है, इधर 20। अब बोलोगे सर 100 रुपीज टोटल में है ना, फर्क क्या पड़ता है, इंडिविजुअली क्यों निकालने का, P1 मतलब प्रोसेस 1, तो प्रोसेस 1 का कॉस्ट क्यों निकालने का सर? सिंपल है, हर प्रोसेस का कॉस्ट क्यों निकालने का? कल उठ के अगर ये 100 रुपये का 110 का खर्चा हो गया, तो अपने को पता चलना चाहिए किधर खर्चा ज़्यादा हो रहा है। प्रोसेस 1 में 50 लगता था, ज़्यादा हुआ क्या, इधर ज़्यादा हुआ क्या, इधर ज़्यादा हुआ का, जिधर खर्चा ज्यादा हुआ है ना उधर कंट्रोल लाने का, भाई खर्चा ज्यादा हो रहा है कॉस्ट को कम करेंगे, बिकॉज कॉस्ट को कम करेंगे तभी प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके सो या तो ऑल सेट एंड डन। अगर मैं तुमको एक बोलता है तो देखो समझो, यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ बोलता है, अच्छा अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलता है तो देखो समझ में आता है कि आपको, अगर मैं आपको ऐसा बोलता है कि आपका प्रोसेस 1 का जो खर्चा होता है, आपका प्रोसेस यहाँ पे, चलो यहाँ पे बात करते हैं, अगर आप एक सेकेंड, अच्छा अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए, अपने को जानने का है प्रोसेस 1 में कितना खर्चा होता है, अपने को जानना है सर प्रोसेस 1 में कितना खर्चा होता है, 2 में कितना होता है, 3 में होता है, तो हर प्रोसेस का जो कॉस्ट निकालने का प्रोसीजर होता है उसी को प्रोसेस कॉस्टिंग बोलते हैं। आते हैं वापस जैसे हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग शुरू किया था। सर कॉस्टिंग मतलब क्या? कॉस्टिंग मतलब कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्टिंग मतलब कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट,
कैलकुलेशन ऑफ, वहाँ पे क्या था स्टैंडर्ड कॉस्ट था, यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ विच कॉस्ट है प्रोसेस, तो अपने को प्रोसेस समझना है। तो एक प्रोडक्ट को फिनिश गुड्स में बनने के लिए, एक रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनने के लिए बहुत सारे स्टेजेस से जाना पड़ता है, हर स्टेज को क्या बोला जाएगा प्रोसेस, और उस प्रोसेस का कॉस्ट निकालने का मतलब बोलने का प्रोसेस कॉस्ट, समझ में आया। अभी कैसे कॉस्ट निकालने का ये हम लोग देखेंगे। अच्छा मैं इंस्टीट्यूट के मटेरियल की बात करूँ अपने ICAI के, यू कैन रिफर इवन इन आपके पास जो भी मटेरियल हो, लेकिन मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ ICAI। तो अगर आप ICAI का मटेरियल देखते हो ना, स्टडी मटेरियल, जैसे कि यहाँ पे है ही, मैं आपको रेफर कराते जाऊँगा, आपके पास रहेगा ये मटेरियल, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम वेबसाइट, और अगर आपको ये सेम कॉपी नहीं मिलता जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ मान लो, सो यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी ऑन माय नंबर, आई विल व्हाट्सएप यू दैट, ओके। सो स्टडी मटेरियल अगर आप देखोगे दो पार्ट में डिवाइडेड है सर, कौन सा, एक है इलस्ट्रेशन होता है और एक है टेस्ट योर नॉलेज। अच्छा इलस्ट्रेशन में कितने क्वेश्चन है सर, इलस्ट्रेशन में 9 क्वेश्चन है और टेस्ट योर नॉलेज में आपके 3 क्वेश्चन है, टोटल मिला के बने कितने क्वेश्चन हम देखेंगे तो 12 क्वेश्चन बनते हैं अपने, 12 क्वेश्चन हम देखेंगे। अच्छा ये मैंने स्टडी मटेरियल बता दिया, अब स्टडी मटेरियल का मैं आपको एक बर्ड आई व्यू बता देता हूँ सर, बर्ड आई व्यू मतलब ओवरऑल एक आइडिया दे देता हूँ, ओके। अच्छा मैं काम क्या करूँगा, जैसे मैं ये चीज़ बता देता हूँ ना, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए चाहिए तो एक टाइम दे दूंगा करके, ओके। नाउ अंडरस्टैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई से स्टडी मटेरियल, तो उसके दो पार्ट होते हैं, इलस्ट्रेशन में 9 है और एक टेस्ट और नॉलेज का क्वेश्चन में 3 है। बर्ड आई व्यू की बात करेंगे तो प्रोसेस कॉस्टिंग आपका डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, सर कौन से 3 पार्ट्स देखना, पहला है क्वेश्चंस विदाउट WIP स्टॉक, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है विदाउट WIP स्टॉक, और यहाँ पे क्या है क्वेश्चंस विद WIP स्टॉक, ये ज़्यादा मेन एरिया है, यहाँ से नॉर्मली पूछा जाता है, ये जो मिडल में रखा हुआ है नॉर्मली क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोसेस कॉस्टिंग को 3 पार्ट्स में रिकॉर्ड करेंगे, पहला जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा बेसिक क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चंस विथ विदाउट WIP, जहाँ पे WIP का झंझट नहीं है, WIP का झंझट आएगा तो उसमें फीफो मेथड लिफो मेथड रहेगा वो कैसे करने का, फिर टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस हम देखेंगे। अच्छा इतना देखने के बाद मैं आपको यहाँ पे मैंने नंबर भी बता दिए हैं, क्वेश्चन जो 9 है ना इंस्टीट्यूट के, पहले 3 क्वेश्चंस नॉर्मल वाले हैं, उसके बाद 2 क्वेश्चंस है ना आपके, और एक सेकेंड खाली थोड़ा सा अपने से गड़बड़ हो गया है सर, क्या गड़बड़ हो गया, इधर 9 क्वेश्चन नहीं है, ये 6 है, दैट इज दिस इज 6, दैट इज 6 + 3 9 टोटल क्वेश्चन है। तो अभी देखो 6 क्वेश्चन थे, अब मैं यहाँ पे बोलता है यहाँ पर आपके 6 क्वेश्चन खत्म होते हैं, 6 क्वेश्चन इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, उस पर 3rd वीडियो अपना रिकॉर्ड होएगा, एंड ये मैं आपको कवर करा देगा टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन, फीफो मेथड वेटेड एवरेज मेथड। सो नाउ यू गॉट एन आइडिया कि हमारा कवरेज कैसा होने वाला है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के हिसाब से। सो नाउ लेट्स स्टार्ट रिकॉर्डिंग दिस आगे का पार्ट। अच्छा इफ़ यू वॉन्ट टू क्लिक स्क्रीन शॉट, एक काम करते फुल स्क्रीन पे लेके जाते, तुम फटाफट चाहिए तो स्क्रीन शॉट ले सकते हो, ओके। लेट्स गो टू फुल स्क्रीन, टेक अ स्क्रीन शॉट, देन दिस इज सेकेंड पार्ट, आप जिसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो पॉज करके वीडियो, दिस इज थर्ड पार्ट, अगर आपको थोड़ा सा ये करके दू, सो आइदर यू कैन टेक लाइक दिस, और दिस, सो फाइनली वी आर डन विद दिस, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज, और आते हैं अपने वापस यहाँ पर। देखना ज़रा इतना होने के बाद, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अब मैं आपको कौन से क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं हेडिंग दे देता हूँ ये करने से पहले, अभी अगर मैं आपको हेडिंग दे दूँ तो हम लोग क्या कर रहे हैं सर, तो अभी हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चंस फर्स्ट पार्ट, दैट इज क्या सर फर्स्ट पार्ट मतलब क्वेश्चंस विदाउट WIP स्टॉक, ओके। मैं आपको कुछ स्टेप बोलूंगा और आपको सारी चीजें एकदम अच्छे से याद हो जाएगी, आपका पार्ट 1 है, 3 पार्ट में प्रोसेस कॉस्टिंग डिवाइडेड है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस विदाउट WIP स्टॉक, लेट अस टेक वन एग्जांपल, एक एग्जांपल समझ लो, दिमाग में सारा चीज एकदम क्लियर हो जाएगा, जिंदगी में नहीं भूलोगे, आई कैन बेट यू ऑन दिस। आपको बस है ना, मेरे को क्या चाहिए आपसे, आपका अटेंशन, विच इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इट इज ऑनलाइन सो ऑब्वियसली इट इज फ्री, सो फीस का तो जरूरत नहीं, लेकिन एटलीस्ट आई नीड योर अटेंशन 100% फोकस, जैसे अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं ध्यान दे रहा हूँ, तुमको भी ध्यान देने का। चलो स्टार्ट करते, देखो अभी स्टार्ट करने का ध्यान देने का, बिकॉज अपना स्पीड फास्ट ट्रैक है तो ऐसा रहेगा, यहाँ पे एक मशीन है, ओके सर समझ में आता है, ये एक मशीन है सर, लेट अस से
अच्छा सो ये मशीन है, आपको समझ में आता है इस मशीन में कुछ जाएगा और कुछ बाहर आएगा, समथिंग विच गोज इनसाइड द मशीन, समथिंग विच कम्स आउट ऑफ द मशीन। तो ये प्रोसेस वन है, मान लो ये मैं प्रोसेस वन की बात कर रहा है, इधर प्रोसेस वन, प्रोसेस टू, प्रोसेस थ्री होता है ना, उसमें से मैं प्रोसेस वन की बात कर रहा है। अच्छा ठीक है, तो हम प्रोसेस वन की बात कर रहे हैं। प्रोसेस वन में कुछ इनपुट जाएगा और कुछ बाहर आएगा। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट अस से हमने मटेरियल कितना इनपुट किया मालूम है इसके अंदर, लेट अस से मटेरियल की बात करते हैं, जो मशीन के अंदर गया वो यहाँ पे इस साइड पे लिखा जा रहा है मटेरियल, और मटेरियल के ऊपर कौन काम करेगा, वर्कर, तो लेबर। और जिस फैक्ट्री में ये काम चल रहा है, जिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस चल रहा है, वहाँ पे रेंट वगैरह देना पड़ेगा, तो आई कैन से फैक्ट्री ओवरहेड, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ फैक्ट्री ओवरहेड करके। ओके लेट अस से मैं एक क्वांटिटी की बात करता हूँ और एक मैं रुपीज़ की बात करता हूँ। लेट अस से मैंने 100 यूनिट्स, 100 केजी मैंने मशीन में इनपुट किया। देखो यहाँ पे 100 केजी मैंने मशीन में इनपुट किया, मेरे को बताओ अगर मैंने 100 केजी मशीन में इनपुट किया है तो इज़ इट नेसेसरी मशीन के बाहर भी 100 ही आएगा? नहीं सर। देखो मैं क्या बोलता है, मशीन में मैंने कितना इनपुट किया, अच्छा एक काम करते हैं, तो मैंने बोला 100 इनपुट किया है, ये मशीन में गया है। अब ये मार्केट से मैंने कितने रुपये में ख़रीदा था, तो लेट अस से 100 × 15 1500 रुपये में आया था, ये 15 रुपये के हिसाब से ख़रीदा था एट द रेट ऑफ 15, तो 100 × 15 1500 रुपये आ गया। तो 1500 रुपये का मटेरियल मशीन के अंदर गया, कंज्यूम हो गया, और ये कंजम्पशन के लिए वर्कर को काम करना पड़ा। तो यहाँ पे एक वर्कर है, मटेरियल है और एक वर्कर है जो काम कर रहा है, तो वर्कर को कितना रुपया देना पड़ा मालूम है, ये जो गया 100 यूनिट्स उसके लिए, और लेटर से उसको 200 रुपीज़ देना पड़ा। और जिस जगह पर यह सब काम हो रहा है उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल वगैरह मिला के एक अब्जॉर्प्शन रेट आता है। तो दिस इज समथिंग जो ओवरहेड में डिटेल में देखेंगे, हालांकि मैंने फैक्ट्री ओवरहेड में भी थोड़ा बताया था, इसके 6 मेथड्स होते हैं अब्जॉर्प्शन के, लेकिन मैं यहाँ पे बोलता हूँ अपना, अपने को क्वेश्चन में दे दिया रहेगा यहाँ पे वो 150 है करके, समझ में आता है। 100 यूनिट्स मशीन में गया है और 3 खर्चा हुआ है। अब एक काम करिए, तीनों का क्या कर दो, टोटल ले लो तीनों का। चलो टोटल तीनों का टोटल ले लेते हैं, मेरे पास 100 यूनिट्स हैं, उसमें से 1500 प्लस 200 प्लस 150 दैट इज 850। आई कैन से दैट 850 ये क्या है आपका कॉस्ट है, रुपीज में है। हाउ कम इट इज 850, इट इज 1850, अपन 1 भूल गए थे कैल्स पे, तो अपने से कैलकुलेशन एरर बहुत बार होता रहता है, एकदम अच्छे से तुम ध्यान देने का, कभी कभी अपने से गलती होता है, टू एरर इज ह्यूमन। ओके 100 यूनिट्स मशीन में गया है, 1850 का खर्चा हुआ है। अब मैं आपको क्या बोलता है, अगर मैं मशीन में इनपुट 100 का करता है तो क्या मशीन से बाहर आउटपुट भी 100 का ही आएगा क्या, हाँ या ना, सोचो और मेरे को बताओ। मशीन में 100 गया तो मशीन से बाहर उतना आएगा या नहीं आएगा? देखो तुमको एक एग्जाम्पल देता, तुमको समझ में आएगा। अगर 100 लोगों ने फाउंडेशन का एग्जाम दिया है इनपुट इन, तो क्या 100 लोग ही फाउंडेशन क्लियर करके बाहर निकलेंगे, या कुछ अच्छे निकलेंगे कुछ बुरे, मतलब कुछ पास होंगे और कुछ क्या होंगे, फेल होंगे। सेम कंपनी में भी होता है, इफ समवन अपीयर्स फॉर एग्जामिनेशन इट इज नॉट नेसेसरी 100 के 100 बच्चे पास होंगे, 100 में से 50 पास हो सकते हैं, 30 पास हो सकते हैं। मैं यहाँ पे कंपनी की बात करता अभी तुम्हारी, मतलब मैं ये बात करता है 100 यूनिट मशीन पे जाएगा। एक टेलर की बात करते हैं, अपन टेलर को ना कपड़ा स्टिच करने के लिए देते, मैंने उसको ना 3 मीटर कपड़ा दिया टेलर को, मैं बोला शर्ट बना के दो, लेट अस से टेलर को बोला 3 मीटर में शर्ट बना के दो, फिर शर्ट बनाना तो 2 मीटर का बना ऑब्वियसली, बिकॉज जब उसने वो कटिंग वगैरह किया रहेगा कपड़े का तो कुछ चिंदी निकला रहेगा, क्या निकला रहेगा, चिंदी निकला रहेगा, उसको साइड में रख देने का, फिर शर्ट बनेगा, तो 1 मीटर का चिंदी निकला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉस। अपन ऐसा बोलेंगे क्या टेलर को, तुमने बहुत गलत काम किया, तुमको 3 मीटर कपड़ा दिया था तुमने वेस्ट क्यों किया, मेरे शर्ट में 2 मीटर दिख रहा है, ऐसा बोल सकता है क्या? नहीं, 1 मीटर का लॉस हमेशा होगा उसको डिजाइन देते टाइम, कटिंग करते टाइम, दैट इज स्क्रैप, वो होने ही वाला है। इसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस। क्या बोलते हैं? नॉर्मल लॉस, समझने का, जो लॉस हमेशा होता है, जो लॉस आपका हमेशा होता है उसको कौन सा लॉस बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल लॉस, जो हमेशा होने वाला है। अब सर तो एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, जो हमेशा नहीं होता, एकदम सिंपल है। देखो मैं एक एग्जांपल देता है, लेट अस से तुम जिधर भी क्लास किए रहेंगे, वेर एवर लाइक यू मस्ट हैव जॉइन क्लासेस, कैन आई सी दैट, अगर लेक्चर 6 घंटे का है उस क्लासेस में, तो एट अ स्ट्रेच 6 घंटे का नॉर्मली नहीं होता, ऐसा हो सकता है 3 घंटे का एक लेक्चर रहेगा, बीच में 30 मिनट का या 15 मिनट का ब्रेक रहेगा, और फिर 3 आवर्स का लेक्चर रहेगा करके, तो बीच में जो 30 मिनट्स का लॉस है, ये कौन सा लॉस है? नॉर्मल लॉस है, जो हमेशा होने वाला है। बच्चों को उतना टाइम तो आइडल टाइम देना पड़ेगा। वर्कर फैक्ट्री में आके 8 घंटा रोज काम करेगा क्या? नहीं ना, बीच में उसको खाना पीने के लिए टाइम चाहिए रहेगा, तो वो अगर लंच वगैरह करेगा उसके लिए टाइम जाएगा, वो नॉर्मल लॉस जो हमेशा होगा। इवन शुगर केन का मशीन है, ये शुगर केन है,
ये मशीन के अंदर जाएगा तो बाहर क्या निकलेगा, जूस निकलेगा। लेकिन मैं क्या बोलता है, अगर 10 kg शुगर केन, 1 kg शुगर केन डाला मशीन के अंदर, क्या 1 kg जूस निकलेगा? क्या नहीं निकलेगा ना, कुछ तो कचरा बचेगा ही शुगर केन का। और इतना सारा बोलने के बाद तो तुमको क्लियर होना चाहिए कि सर नॉर्मल लॉस मतलब जो हमेशा होता है, तो एबनॉर्मल लॉस क्या? एबनॉर्मल लॉस मतलब जो हमेशा नहीं होता, जैसे कि आग लगना, फैक्ट्री में आग लग गया, ये क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस, ये हमेशा नहीं होता करके। अच्छा ठीक है, ये समझ में आता है। अच्छा नॉर्मली 10 यूनिट अगर जाता है ना अपने फैक्ट्री ये मशीन के अंदर, अपने को पता है, अपने को इतना पता है अगर फैक्ट्री में 10 यूनिट जाएगा ना तो 10% का लॉस हो जाएगा। और ये कौन सा लॉस है? हमेशा होने वाला है। तो ये कौन सा लॉस है? नॉर्मल लॉस। अब देखो मैं क्या बात कर रहा है, अगर 10% का लॉस हमेशा हो जाएगा तो देखो मैं यहाँ पे ये चीज़ बोलता है, ये नॉर्मल लॉस का भी कुछ एक स्क्रैप वैल्यू है। नॉर्मल लॉस का क्या है? आपका एक स्क्रैप वैल्यू है। ये कितने रुपए में बिकेगा मालूम है? 10 यूनिट्स जो ख़राब हो जाता है, लेट अस से ये एट द रेट ऑफ 5 बिकेगा, तो मेरे को बताओ मेरे को कितना रुपया मिलेगा? 50 रुपीज़। अब जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, मैंने मशीन में 100 यूनिट्स इनपुट किया है, उसके लिए मैंने 1850 का खर्चा किया है, उसमें से मेरा नॉर्मल लॉस कितना है सर? मेरा 10 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस है और उससे मेरे को 50 रुपया मिल गया है। तो मशीन से बाहर यूनिट्स कितना आया सर? 90, ये यूनिट्स आया। और मशीन के बाहर जब यूनिट्स आया 90, उसके लिए मेरा खर्चा कितना हुआ? मेरा खर्चा 1850 का हुआ है, मैं ये मानता हूँ। लेकिन 1850 में से 50 रुपया अपने को क्या हो गया है? रिकवर हो गया है। तो जो पैसा रिकवर हो गया है तो मैं बोलेगा मेरा नेट खर्चा कितना हुआ? 1800 का हुआ। सो एट द एंड वॉट इज माई कॉस्ट? आई वुड से एक यूनिट का कॉस्ट कितना रहेगा, तो मैं क्या करेगा, 1800 डिवाइडेड बाई 90 करेगा, 1 into, मेरे को एक यूनिट का कॉस्ट जानने का है, 90 यूनिट्स का कॉस्ट 1800 है ना, तो एक यूनिट का कॉस्ट कितना रहेगा? 1800 डिवाइडेड बाई 90, दैट वुड बी 20 पर यूनिट। ये कितना रहेगा आपका? 20 पर यूनिट रहेगा करके, समझ में आता है? इसको बोलते हैं कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट का। अच्छा मैंने ना अभी तक आपको ऐसा फॉर्मेट वगैरह बना के नहीं समझाया। मैंने आपको कैसे समझाया? मैंने आपको एकदम सिंपल ये करके समझाया, अपना ऐसा वर्किंग बना के कि ऐसा ऐसा कुछ होता है करके, दिमाग में जाता है। अब मैं आपको स्टेप बाय हार्ट करवाएगा और प्रोसेस अकाउंट बना के बताएगा ये सारा चीज़, जैसा मैंने अभी बताया था ना ये सारा चीज़ मैं आपको। अच्छा एक चीज़ और मेरे को बताओ, प्रोसेस वन में अगर कितने का यूनिट्स आउटपुट आया है? 90 का। तो जो आउटपुट प्रोसेस वन में आया है वो कहां पे जाएगा? प्रोसेस टू में। एक लाइन याद रखना, आउटपुट ऑफ फर्स्ट प्रोसेस बिकम्स इनपुट फॉर अनदर प्रोसेस, आउटपुट ऑफ फर्स्ट प्रोसेस बिकम्स इनपुट फॉर अनदर प्रोसेस। समझो इधर देखो ना, जो बच्चे फाउंडेशन पास होंगे आउटपुट हो गया ये, वो किधर जाएंगे? इंटर में। जो इंटर पास होंगे बाद में वो फाइनल में जाएंगे, और जो फाइनल पास हो जाएंगे वो क्या बनेंगे? CA बनेंगे। तो आपको समझ में आना चाहिए कि सर समझ में आता है आउटपुट ऑफ फर्स्ट प्रोसेस। जो आउटपुट देखो, कटिंग डिपार्टमेंट ने शर्ट को कट किया तो आगे स्टिचिंग के लिए जाएगा ना वो कपड़ा, तो उसने जो कटिंग किया वो आगे स्टिचिंग के लिए गया, जो स्टिचिंग किया वो एम्ब्रॉयडरी के लिए गया या पैकिंग के लिए गया। तो आउटपुट ऑफ फर्स्ट प्रोसेस बिकम्स इनपुट फॉर अनदर प्रोसेस। हाँ सर दिमाग में याद होता है। अब मैं आपको प्रोसेस अकाउंट बनाने का सिखाएगा। क्या बनाने का सिखाएगा? प्रोसेस अकाउंट। तुम्हें ना बहुत अच्छा लगना चाहिए अभी जो मैं बता रहा, क्योंकि अकाउंट्स अपने ऐसा ब्लड में, ऐसा ब्लड निकालना तो अकाउंट निकालना चाहिए। अपन बचपन से अकाउंट ही सीखा है, जब से कॉमर्स की दुनिया में आया है अपन क्या सीख रहे हैं? अकाउंट सीख रहे हैं। तो अगर कॉमर्स की दुनिया में अगर हम अकाउंट सीख रहे हैं तो अपने तो ब्लड में अकाउंट, तो अपने को जल्दी जल्दी समझेगा ये चैप्टर है ना, तुमको ऐसा अपना फेवरेट वाला चैप्टर लगेगा करके। चलो स्टार्ट करते हैं, बूम। सो लेट्स प्रिपेयर वन अकाउंट। मैं आपको फॉर्मेट और यहाँ पे ये भी बताते जाऊँगा स्टेप्स, देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल प्रिपेयर वन अकाउंट, लेट अस से प्रोसेस अकाउंट। अच्छा इफ़ यू जस्ट देखो, ये प्रोसेस अकाउंट बना दिया, फटाफट मैं फॉर्मेट बना देता हूँ, देखना जरा। अब फॉर्मेट में अपने को बनाने का है यहाँ पे, ओके ओके तो आप देख सकते हो प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट बन गया है। अभी स्टार्ट करते हैं समझने का। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पर्टिकुलर्स, आप समझो, ये खाली रफ फर्क अंडरस्टैंडिंग के लिए, हम लोग मेन क्वेश्चंस करेंगे। पर्टिकुलर्स क्वांटिटी अमाउंट, देन पर्टिकुलर्स
क्वांटिटी अमाउंट. डन विद दिस? यस सर, वी आर डन विद दिस. अभी आगे बढ़ते हैं. देखो इतना लिखने के बाद अब मैं क्या बोलता है, अब इसको मैं कन्वर्ट करता है. देखो स्टेप वाइज कन्वर्ट करता है और मैं स्टेप बोलते भी जाएगा वैसे कि कौन से स्टेप में वो अप्लाई कर रहा है करके. अच्छा सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप इज व्हाट मेरे साथ बोलने का. फर्स्ट ऑफ ऑल एक फॉर्मेट बना देने का, दैट इज जीरो स्टेप पर्टिकुलर्स क्वांटिटी अमाउंट मेरे साथ बाय हार्ट भी करने का. क्यों? एग्जाम में कॉस्टिंग का पेपर है ना कंप्लीट नहीं होता, तो तुमको हर एक चीज दिमाग में एकदम फिट आना चाहिए. जो इन्फॉर्मेशन है ना दिमाग के अंदर वो बाहर निकलने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए. तो याद करने का पर्टिकुलर्स क्वांटिटी अमाउंट. ओके डन सर, इतना तो क्लियर है. अब फर्स्ट चीज मशीन के अंदर क्या जाएगा, मटीरियल जाएगा. तो यहाँ पे लिख देने का टू इनपुट मटीरियल, यहाँ पे देने का टू इनपुट मटेरियल. मेरे को बताओ कितना यूनिट्स गया है, 100 यूनिट्स. सर कैसे आपको पता, देखो ना इधर ये वाला 100 यूनिट्स और कितना रुपया, 15 रुपए के हिसाब से गया है. तो आई कैन से 1500 रुपए का ये मार्केट से खर्चा हो गया. फिर ये मटेरियल लाने के बाद इसके ऊपर किसने काम किया है, वर्कर ने. तो आई कैन से टू लेबर कॉस्ट एंड आई कैन से टू विच कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट. व्हेन आई से फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट तो वो कितना आता है, 200 and 150. सो लेट अस राइट दैट 200 and 150. अच्छा नाउ स्टेप वाइज याद करते हैं. स्टेप नंबर वन रिकॉर्ड इनपुट मटेरियल ऑन बोथ कॉलम्स, क्वांटिटी एंड अमाउंट. स्टेप नंबर टू रिकॉर्ड फैक्ट्री ओवरहेड ओनली इन विच कॉलम, अमाउंट कॉलम. फैक्ट्री ओवरहेड को रिकॉर्ड करने का, सर याद हो गया, पहले क्वांटिटी, पहले मटेरियल लिखने का स्टेप नंबर वन में, स्टेप नंबर टू में लेबर और ओवरहेड. खाली कहाँ पे लिखने का, अमाउंट में, क्योंकि खर्चा हुआ है. अच्छा ठीक है, इतना मशीन के अंदर गया, मशीन से बाहर क्या आ गया. पहले बुरे यूनिट्स की बात करते, जो बुरा आ गया, अभी जो बाहर निकलेगा ना, जो मशीन में जाएगा वो इन हम डेबिट में लिखेंगे और जो मशीन से बाहर आएगा वो आउट हम इस साइड पे लिखेंगे. सो मशीन से जो बाहर आएगा देखना वो यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख सकता है बाय नॉर्मल लॉस. नॉर्मल का मतलब होता है ये हमेशा होगा ही. सो ये क्या हो गया अपना स्टेप नंबर थ्री हो गया. स्टेप नंबर थ्री, फिर आपको स्टेप भी लिखा देगा करके. तो स्टेप नंबर थ्री क्या हो गया, नॉर्मल लॉस करके. नाउ लेट अस टॉक अबाउट नॉर्मल लॉस. तो नॉर्मल लॉस सर कितना सोचा था हमने, 10% सोचा था. तो 100 का 10% मतलब कितना होता है 10, और इसको मार्केट में बेचेंगे तो 10 × 5 rupees के हिसाब से तो 50. ऊपर मैंने अभी आपको बताया था ये, खाली जो ऊपर मैंने वर्टिकली बनाया है ना उसको अपने को अपने अकाउंट्स में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट. अच्छा स्टेप नंबर थ्री इज डन. फर्स्ट स्टेप इनपुट रॉ मटेरियल, सेकंड स्टेप एक्सपेंसेस टू बी रिकॉर्डेड, थर्ड स्टेप नॉर्मल लॉस टू बी रिकॉर्डेड, फोर्थ स्टेप इंपॉर्टेंट है. फोर्थ स्टेप मतलब एकदम इंपॉर्टेंट है. फोर्थ स्टेप आपका रहेगा यहाँ पे आने का और लिख देने का फॉर्मूला. क्या लिख देने का सर, फॉर्मूला. किस चीज का फॉर्मूला, कॉस्ट पर यूनिट का. तो देखो फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस क्वांटिटी. तो अपने को फॉर्मूला समझ में आता है, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू. तो मैं देखो क्या बोलता है, टोटल कॉस्ट कहाँ से आएगा सर, ऊपर जाता है ये वाला, इसको मैं बोल सकता हूँ प्रोसेस का डेबिट साइड. यस सर डेबिट साइड. तो मैं बोल सकता है टोटल मेरा कितना खर्चा हुआ है. अगर आप अच्छा एक जीरो इधर ज़्यादा हो जाता है, कभी जीरो अपना कम ज़्यादा होता है. ये तो पूरा गया, अच्छा ये 150 था तो मैं 150 लिख देता हूँ, 150. अब देखो क्या होगा, मैं ये बोल रहा है कि मेरा 1850 का खर्चा है टोटल, माइनस उसमें से 50 रिकवर हो गया. आई कैन सी दैट ये आपका डेबिट साइड है माइनस क्रेडिट साइड आपने कर दिया. देखो 1800 माइनस 150 अमाउंट वाला, ठीक है. नाउ मशीन में गया कितना था सर, मशीन में कितना गया था बोलो, 100 गया था मशीन में, 100 गया था उसमें से 10 खराब हो गया. तो आई कैन से दैट 90 का आउटपुट एक्सपेक्टेड है और मेरा खर्चा 1800 का एक्सपेक्टेड है. तो क्या नहीं से 1800 डिवाइडेड बाय 90, दैट कम्स टू 20 पर यूनिट. तो जब भी एक यूनिट बनेगा 20 रुपीज़ का खर्चा होगा करके. यस सर ये समझ में आता है. तो आई कैन सी दैट यहाँ पे स्टेप नंबर फोर हो गया फॉर्मूला, किस चीज़ का, CPU का, और स्टेप नंबर फोर में आंसर निकाला मैंने 20 रुपीज़ करके. आप ऐसा भी याद रख सकते हो, पहले ये डिवाइडेड बाय ये, न्यूमरेटर में ये माइनस ये करने का, दैट इज क्वांटिटी में, फिर ये माइनस ये, 100 माइनस 90.
अगर मैं आपको शॉर्टकट फार्मूला बोलूँ ना, गोल्डन फार्मूला, तो देखो गोल्डन फार्मूला क्या होता है। कॉस्ट पर यूनिट इज नथिंग बट अमाउंट अपॉन क्वांटिटी, डेबिट माइनस क्रेडिट, डेबिट माइनस क्रेडिट, अगर मैं आपको बोलने जाऊँ तो। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स कम हियर। व्हेन आई से आई रिकॉर्ड नॉर्मल लॉस, देन आई विल से बाय आउटपुट ट्रांसफर्ड टू विच प्रोसेस, प्रोसेस टू, बिकॉज जो ये प्रोसेस कौन सा है मैंने बोल दिया, प्रोसेस है ये प्रोसेस वन है, तो जो प्रोसेस वन में बनेगा वो प्रोसेस टू में जाएगा ना, जो फाउंडेशन क्लियर करेगा वो इंटर में जाएगा। सो मेरे को बताओ कितना आउटपुट बना हुआ है। सर 90 बनाया, और समझ में भी आना चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ 100 में से 10 अगर खराब हो गया है तो 90 बन गया है, तो 90, और हर यूनिट का वैल्यू कितना रहेगा सर, हर यूनिट का वैल्यू रहेगा 90 इंटू, हर यूनिट का आपका वैल्यू रहेगा 90 इंटू ये जो 40 रुपीज़ निकाला था आपने, 40 निकाला था क्या, रुको देखते हैं, 90 इंटू 20 रुपीज़ निकाला था, 20 रुपीज़ निकाला था, ओके। तो ये आपका स्टेप नंबर क्या हो गया, 5। तो स्टेप नंबर 1-2 इधर आ गए, स्टेप नंबर 3 नॉर्मल लॉस, स्टेप नंबर 4 आपका फॉर्मूला, स्टेप नंबर 5 आप ऊपर आके आप फिनिश गुड्स लिखोगे, और फिर 90 इंटू कर दो 20, दैट कम्स टू 1800, That comes to 1800. Now let's do one thing. Just take the total 100, 1850, 100, 1850. Tally हो जाएगा आपका debit credit. अच्छा, so आपका step number 6 क्या है? तो आपका step number 6 है close process account. So I can say 6 steps are there. कितने? 6 steps अपने को याद करने का है. कौन से सर? First input record करने का, मेरे साथ एकदम याद हो जाना चाहिए. दूसरा अपना labor expenses record करने का, first step record इनपुट रॉ मटेरियल, सेकंड स्टेप रिकॉर्ड एक्सपेंसेस, थर्ड स्टेप रिकॉर्ड नॉर्मल लॉस, फोर्थ स्टेप इज फॉर्मूला, फिफ्थ स्टेप इज आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस विच इज फिनिश गुड्स, एंड सिक्स स्टेप इज क्लोज प्रोसेस अकाउंट। अच्छा, अभी तक मैंने एक बात आपसे नहीं की, मैंने आपसे क्या बात नहीं की मालूम है, देर इज समथिंग नोन एज एबनॉर्मल लॉस एंड देर इज समथिंग नोन एज एबनॉर्मल गेन करके। तो यहां तक अपना क्लियर हो गया, एक मिनट में फटाफट स्क्रोल कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेते जाना अगर अपने को चाहिए तो करके, ओके डन, स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। अब आगे का बता देता हूँ, दिस इज योर प्रोसेस अकाउंट एंड दिस इज योर फॉर्मूला करके। अच्छा, तो वापस आते हैं अपने पे, और अभी यहाँ पे देखते हैं, अभी हम बात करेंगे किसकी, अभी हम बात करेंगे सेम इसी क्वेश्चंस की, बट इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे। क्या करेंगे इसमें मॉडिफिकेशंस? तो एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन को मैं आगे ये कर देता हूँ, अच्छा देखो मैंने यहाँ पे सारा चीज़ें कॉपी कर लिया है, मैं खाली कुछ चीज़ें चेंज कर रहा हूँ। सर क्या चेंज कर रहे हो? देखो मैं कुछ चीज़ें चेंज कर रहा हूँ, देखना सेम चीज़ चल रहा है। अभी मैं कुछ नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस थोड़ा इसमें और डिस्कशन करते हैं, ज़रा देखना, मैं अभी कुछ चीज़ आपसे बात कर रहा हूँ, सुनते जाना ज़रा ध्यान से। अच्छा मैं देखो आपसे क्या बोलता है, मैं अभी आपसे ये बोलता है, हमने मशीन में कितना डाला इनपुट? सर हमने मशीन में कितना डाला? 100 यूनिट्स। उसके लिए खर्चा कितना हुआ? 850। अच्छा अब मैं देखो क्या बोलता है, नॉर्मल लॉस 10%, तो क्वांटिटी में बात करेंगे तो 10, और उसका 5 रुपये के हिसाब से कितना अमाउंट मिल जाएगा? 50 रुपीज़ मिल जाएगा। अच्छा देन अब मैं आपसे एक बात करता हूँ, देखो क्या इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, तो एक आंसर आता है जिसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड आउटपुट। क्या बोलते हैं सर? एक्सपेक्टेड आउटपुट। इनपुट मतलब जो मशीन में गया और जो बाहर आएगा अभी। सो इफ़ आई से दैट माई इनपुट इज, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि मेरा इनपुट 100 है, जिससे समय 10 खराब होएगा ऐसा सोच रहा है, तो बाहर कितना आएगा सर? 90 आएगा, बराबर है, लेकिन ये मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट है, ये मैंने सोचा है कि 90 आएगा, लेकिन जैसा तुम सोचता है वैसा होता है क्या? नहीं होता ना। अरे आप उनने देखा था कि नहीं देखा था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में? वॉट एवर यू थिंक वो नहीं होएगा, तुम भगवान थोड़ी जो तुम सोचेगा वैसा ही होएगा करके। देर आर अनसर्टेनिटीज, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होते रहता है करके, तुम सोचो वैसा होगा ज़रूरी नहीं है। अच्छा तो देखो मैं क्या बोलता है, एक्सपेक्टेड आउटपुट अपना 90 है। अब मैं बात करता हूँ एक्चुअल आउटपुट की,
अपना जो एक्चुअल आउटपुट है ना वो 90 से ज़्यादा भी हो सकता है और 90 से क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है। चलो पहले बात करते हैं 85 अपना आउटपुट कितना है, 85। अच्छा इन दिस केस यू नीड टू अंडरस्टैंड मशीन में 100 गया सर, मशीन से बाहर आ गया 85, मतलब लॉस कितने का हुआ, 15 का। देखो मैं ऐसा बोलता हूँ कुछ, मशीन में 100 गया, मशीन से बाहर 15 आया, मतलब लॉस 15 का हुआ, 15 में से 10 का लॉस एक्सपेक्टेड था सर, तो इसको नॉर्मल लॉस बोलेंगे, और जो 5 रुपये का एक्स्ट्रा लॉस हुआ ये एक्सपेक्टेड नहीं था, तो इसको क्या बोलने का, अब नॉर्मल लॉस बोलने का। हाँ सर, तो क्लियर होता है व्हाट इज नॉर्मल लॉस व्हाट इज अब नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस जो हमेशा होता है, अब नॉर्मल लॉस जो हमेशा नहीं होता, तो जो नॉर्मल लॉस के ऊपर लॉस होता है उसको अब नॉर्मल बोलते हैं, जो सोचा नहीं था करके, 10 तक सोचा था, डन। अब इसकी अकाउंटिंग देखेंगे इस वाले केस में। अब देखो मैं क्वेश्चन को चेंज किया है, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो अभी अभी मैं अगर यहाँ पे आता हूँ और आपसे बात करता हूँ तो जरा देखना, मैं क्या बात कर रहा हूं, अभी अभी मैंने क्वेश्चन में चेंज कर दिया, व्हाट इज द चेंज विच इज देयर इन द क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन माई एक्चुअल आउटपुट इज 85, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने एक्चुअल आउटपुट को 90 ही रखा था, दोनों सेम रखा था, एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल, बट दिस टाइम माई एक्चुअल आउटपुट इज 85, मैंने 85 मशीन से आउटपुट निकाला है। अब मुझे अकाउंटिंग करने का है, अब सबसे पहला चीज सोचने का, अभी ये जो ये लॉस है ना ये कस्टमर से रिकवर होता है नॉर्मल लॉस, लेकिन अब नॉर्मल लॉस कस्टमर से रिकवर नहीं होता, अब अपना रेगुलर तो नहीं है, बट मैं तुमको फिर भी एकदम कट शॉर्ट में बहुत अच्छे से समझाता है, जरा सुनना एकदम, कि नॉर्मल लॉस कस्टमर से रिकवर होता है, अबनॉर्मल लॉस कस्टमर से रिकवर नहीं होता। सबसे पहला देखो, 3 मीटर कपड़ा लिया एक टेलर ने, तो 3 मीटर का 300 रुपया गया, कितना गया 300 रुपया, बिकॉज 1 मीटर का 100 रुपीज़ बराबर है। शर्ट बना तो उसके अंदर 2 मीटर कपड़ा ही लग गया है, कितना कपड़ा लगा 2 मीटर, तो उसने कितना रुपया बोलेगा उसका 200 रुपया, और मान लो प्लस वो 50 रुपये का प्रॉफिट ऐड करके बेचेगा, लेटर से 10-20 रुपये का प्रॉफिट ऐड करके बेचेगा, और कुछ कॉस्ट नहीं है, 20 रुपये का मान लो प्रॉफिट ऐड किया और उसने 220 में बेचा, तो ये सही है कि गलत है। लेबर वगैरह थोड़ी देर के लिए हटा दो, 300 मीटर का मैंने कपड़ा, तीन मीटर का कपड़ा लाया, मैंने शर्ट बनाया, मान लो 3 मीटर के कपड़े का खर्चा 300 रुपया हो गया, 3 मीटर का 300 रुपया खर्चा हो गया, मैंने शर्ट बनाया तो 2 मीटर का बना, तो 2 मीटर का शर्ट बनाया तो आउटपुट 2 मीटर का ही है, तो मैं सामने वाले से 200 रुपये का कॉस्ट प्लस 20 रुपये प्रॉफिट रिकवर करेगा, 300 + 20 रिकवर करेगा। तुमको अगर थोड़ा भी बिजनेस आता है ना तो तुम लोग 300 + 20 रिकवर करेगा, दैट इज 320 रिकवर करेगा, तभी तुम्हें प्रॉफिट होगा, नहीं तो तुम लॉस कर रहे हो, तुम 300 रुपया अनकर खुद डाल रहे हो 300 रुपया, और सामने वाले से 220 रुपया आ रहे हो उस चीज़ में, उसी के लिए आप प्रोडक्शन कर रहे हो और उसको उसी के लिए शर्ट बना रहे थे और उसी के अंदर वो उतना मीटर खराब हो गया, तो उसी से रिकवर करने का आप थोड़ी बेयर करेगा। सो नॉर्मल लॉस इज ऑलवेज रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर, अंडरस्टैंड दिस, सो नॉर्मल लॉस इज रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर, जो हमेशा होता है। अब शुगर केन वाला भी होता है, तो कचरा होता है, वो सब ध्यान में रखते हुए ही आपसे पैसा रिकवर किया जाता है ना। शुगर केन का बात हो गया, अब दूसरा बात करते हैं, अपना नॉर्मल लॉस की बात हो गई, अब एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस क्या हमेशा होता है सर? नहीं नहीं सर, एबनॉर्मल लॉस हमेशा नहीं होता, वो कभी कभी होता है जो सोचा नहीं जाता। अब मान लो किसी क्लास में, ऐसा बोलना नहीं चाहिए बट चलो एक एग्जाम्पल के तौर पर, ये ऐसा ये है और अपना ड्राइंग अच्छा नहीं है, तो मान लो क्या लग गई, आग लग गई करके, क्या लग गई, आग लग गई, या तो चलो तुमको आग लगानी है अच्छे से, अपन आग लगाते हैं, तुमको आग लगानी है ना, ठीक है एक सेकेंड, तो ये लग गई आग, तो मान लो किसी क्लासेस में आग लग गई, और किसी क्लासेस में आग लग गई ना, तो उसकी वजह से लॉस हो गया सर, कितने का लॉस हो गया, 5 लाख रुपये का लॉस बाई फायर, सुना रहेगा ऊपर देखो फायर दिख रहा है। अच्छा तो मान लो किसी क्लासेस के अंदर अगर आग लग जाती है और इसकी वजह से अगर 5 लाख का नुकसान हो जाता है, तो क्या स्टूडेंट्स ये कौन सा लॉस है सबसे पहले? सर एबनॉर्मल लॉस है, ये समझ में आता है क्यों? बिकॉज आग रोज रोज नहीं लगती, कभी कभी लगती है, इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड इन एडवांस, एबनॉर्मल लॉस। अच्छा सोचा नहीं था आग लग गई, अभी अब मैं बोलता है 5 लाख की आग लग गई है, कस्टमर से मतलब स्टूडेंट से रिकवर करने का, क्या क्लासेस वाला बोलता है मैं एक काम करता है, नेक्स्ट ईयर में जब अभी मैं फीस रिकवर करेगा ना, बच्चों को बोलेगा आग लग गई है तुम थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके फीस बढ़ा ज़्यादा दे दो मेरे को, चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना, यू कैन नॉट रिकवर एबनॉर्मल लॉस फ्रॉम योर कस्टमर, बिकॉज सामने वाले क्लासेस में आग नहीं लगी है, तुम्हारे क्लासेस में आग लग गई है, तुम फीस बढ़ाएगा तो बच्चा तुम्हारे पास नहीं आएगा, तो एबनॉर्मल लॉस कभी भी कस्टमर से रिकवर नहीं किया जाता, इतना याद रखना। ओके अब यहाँ पे आते हैं, अच्छा मैं क्या बात करता है, मान लो तुम ऐसा बोलता है, अभी ज़रा 2 मिनट में फटाफट सुन लेना, अपने को ये समझने का है, मैं ऐसा बोलता है कि सर मेरा लॉस कितना है करके, तुम ऐसा कुछ सोचता है, मान लो तुम्हारा एक्चुअल में लॉस कितना है 15 का लॉस है, ओके, और 15 यूनिट का एक्चुअल लॉस है, ये मैं एक्चुअल लॉस की बात करता हूँ, ध्यान देना, और आपने 15 यूनिट मार्केट में बेचा, 5 रुपये के हिसाब से आपका स्क्रैप वैल्यू था याद आएगा, तो 75 रुपीज़ आपको मिला,
देखो आपको मैंने 10 यूनिट का 50, ये 5 रुपये की सबसे वैल्यू होता है, नॉर्मल लॉस था अपना 15 का, एक्चुअल लॉस हो गया दोनों भी एज के अंदर, तो मेरे को एक्चुअल में 85 यूनिट्स मिला और मेरा एक्चुअल में खर्चा कितना हो गया 18 1850 मैंने खर्चा किया था, -75 1775 खर्चा हो गया। अब एक काम करो 1775 डिवाइड बाई 85 करो, 1775 डिवाइड बाई 85 करो कितना आएगा, 20.88 समथिंग आएगा। अच्छा इस बार लॉस एकदम ज़्यादा कम ही हुआ है करके। अब मेरे को बताओ नॉर्मली आप कस्टमर से कितना रुपया चार्ज करते हो, कॉस्ट के अंदर 20 रुपया, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करते हो तो कॉस्ट 20 रुपये का रहता है। अब बिकॉज लॉस हुआ है अब नॉर्मल आपने कॉस्ट बोल दिया 20.88 है, ये एक्चुअल कॉस्ट है आपका, लेकिन आप कस्टमर से कभी भी एक्चुअल कॉस्ट रिकवर नहीं करोगे, आप कस्टमर से नॉर्मल लॉस रिकवर करोगे, नॉर्मल कॉस्ट रिकवर करोगे। आग लग गई तो ये आपका लॉस हुआ है क्लासेस में, लेकिन आप कस्टमर से ये एक्चुअल लॉस रिकवर नहीं करोगे, जो आप नॉर्मली फीस चार्ज करते हो वही क्लासेस बच्चों से रिकवर करोगे। सेम वे वी कैनॉट रिकवर 20.88, वी हैव टू रिकवर 20 ओनली, जो नॉर्मली होता है। ऊपर का लॉस हुआ उसमें अपनी गलती है कि वर्कर ने बराबर नहीं काम किया, मटेरियल खराब क्वालिटी का लाया गया, या फिर मशीन का रिपेयर मेंटेनेंस बराबर नहीं किया, तो अपना गलती है, मैनेजमेंट बेयर करेगा उस लॉस को, वो वर्कर के ऊपर अपना कस्टमर के ऊपर शिफ्ट नहीं करेगा कॉस्ट बढ़ा के। अगर 28.88 अगर ये मैंने कॉस्ट बढ़ा दिया प्लस प्रॉफिट तो सेलिंग प्राइस भी उतने से बढ़ जाएगा। So I cannot transfer this loss to my customer. It means simple है, अपना cost 20.88 नहीं रहेगा, अपना cost कितना रहेगा 20। I just try to give you the logic. Otherwise तो अपने को बाद में बाय हार्ट करने का देखो मैं आपको तरीका बताता है। अभी मैंने logic बता दिया है। It means अभी मैं क्या बोलता है? अपना कॉस्ट 20 ही रहेगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा CPU 20 रहेगा। तो इसमें देखो फॉर्मूला आप देखोगे तो टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू देन टोटल इनपुट माइनस लॉस क्वांटिटी, नहीं है नॉर्मल लॉस क्वांटिटी, एबनॉर्मल को कंसीडर नहीं करने का, एबनॉर्मल लॉस को वो अपना लॉस है कि हमने खराब यूनिट्स बना दिया, वर्कर ने बराबर नहीं काम किया। अच्छा एक चीज़ और मैं क्या बोलता है, एक्चुअल में आउटपुट आया कितना है, एक्चुअल में आउटपुट आया कितना है, एक्चुअल में आउटपुट 85 आया है। अगर एक्चुअल में आउटपुट 85 आया है तो मुझे बताओ नेक्स्ट प्रोसेस में 90 जाएगा कि 85 जाएगा? अरे जो बाहर आएगा वही नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा ना। अगर 85 एक प्रोसेस ने बाहर निकाला है तो दूसरे प्रोसेस में भी 85 इनपुट जाएगा, जितना बाहर निकलेगा उतना एक्चुअल में जाएगा। सो आई कैन से जब मैं यहाँ पे लिखूँगा बाय आउटपुट ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस टू, तो मैं कितना लिखेगा 85 जो एक्चुअल में अपना आउटपुट निकला है, और 85 और हर एक का वैल्यू 20 आएगा, 20.88 जो ऊपर बताया वो नहीं आएगा। हम कस्टमर से क्या रिकवर करते हैं, नॉर्मल जो कॉस्ट लगता है प्रोडक्ट का, वो एबनॉर्मल कॉस्ट उसमें ऐड नहीं करेंगे हम लोग। सो 85 into 20 दैट इज 1700। अच्छा अब क्या करने का, देखो ये स्टेप नंबर कौन सा था, 5 था, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, स्टेप नंबर 1 इनपुट रॉ मटेरियल, स्टेप नंबर 2 एक्सपेंसेस, स्टेप नंबर 3 नॉर्मल लॉस, स्टेप नंबर 4 फॉर्मूला, स्टेप नंबर 5 ये स्टेप नंबर 5 इज दिस ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। नाउ स्टेप नंबर 6 क्या था, क्लोज प्रोसेस अकाउंट। अच्छा मैं क्या बोलता है, बहुत टीचर्स लोग क्या करते हैं मालूम है, एबनॉर्मल लॉस का एकदम अलग सा वर्किंग वगैरह बनाते हैं, अपने को कम टाइम में सारी चीज़ें कवर करनी होती है बिकॉज पेपर में टाइम होता नहीं है, तो तुम दिमाग नहीं लगाने का, मैंने तुमको ऊपर बता दिया था। वैसे मैं तुमको बता दूं ना तो देखो नॉर्मल एक यूनिट 20 रुपीज का बनता है, मुझे बताओ मैंने 90 सोचा था 85 बन गया तो एबनॉर्मल लॉस कितना है 5, तो 5 यूनिट खराब बन गए जो मैंने अच्छे सोचे थे, लेकिन 5 खराब बन गए तो हर यूनिट के पीछे 20 रुपए का लॉस हो गया मेरा। वो अच्छा बनता तो मैं 20 रुपया वो बेचता था, उसको वो कॉस्ट रहता उसमें प्रॉफिट ऐड करके बेचता तो 20 रुपया वो कॉस्ट होता था। अब ये 5 नहीं बने हैं, खराब हो गया, अभी मुझे नेक्स्ट टाइम बनाने पड़ेंगे तो हर एक के ऊपर 20-20 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। मैं ये बोलता है अब नॉर्मल लॉस 5 खराब हुए हैं, अगर ये अच्छे बन जाते तो टेंशन नहीं होता, अब ये खराब बने हैं मुझे और 5 बनाने पड़ेंगे और 100 के ऊपर 20-20 का खर्चा करना पड़ेगा, मतलब 100 रुपये का खर्चा करना पड़ेगा, तो एबनॉर्मल लॉस कितना है मेरा 100 रुपीज़ है। अच्छा मैं क्या बोलता है, तुम इतना दिमाग मत लगाओ, तुम क्या करो स्टेप नंबर 6 क्लोज प्रोसेस अकाउंट, अगर बैलेंस इधर आता है ना तो इसको एबनॉर्मल लॉस बोलने का, इधर आता है तो एबनॉर्मल गेन बोलने का, मैं गेन पे भी आता है थोड़ा थोड़ा करके आता है, एक साथ सब आएगा तो समझेगा नहीं, तो पहले एबनॉर्मल लॉस समझो तुम लोग। ओके तो मैं क्या बोलता हूँ, क्लोज प्रोसेस अकाउंट देखना, इधर 100 है इधर 100 है, इधर कितना है 95, तो बैलेंसिंग फिगर किधर आएगा आपका। अच्छा तो अगर मैं बात करेगा यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस की, तुमको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, तुमको क्या करने का, प्रोसेस अकाउंट को क्लोज करने का, क्या करने का, प्रोसेस अकाउंट को क्लोज, बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आया तो गेन, क्रेडिट में आया तो आया। सर अभी ये याद कैसे रखने का, अच्छा देखो ऐसे याद रखने का, ऊपर क्या दिख रहा है लॉस, तो इधर वाला बैलेंसिंग फिगर भी लॉस रहेगा। अच्छा चलो करते हैं, तो इधर बैलेंसिंग फिगर आया था 5,
तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, बाय एबनॉर्मल लॉस। इसका मेरे को पता है इधर 100 ही आने वाला है, कैसे सर पता, बिकॉज हर यूनिट के पीछे 20 रुपया है ना लॉस, तो 5 यूनिट के पीछे कितना बड़ा, वैसा नहीं करने का, हम बैलेंसिंग भी कर लेंगे। ये 1850 आ गया, ये ऊपर वाला माइनस करो 1750, तो यू विल गेट दैट ओनली। सो आई केम टू नो दैट नाउ सर, आई केम टू नो द स्टेप्स। सो मेरे को ये समझ में आ गया कि क्या है करके। अगर किसी को अगेन फटाफट स्क्रीनशॉट लेना ये सेकंड एग्जांपल का, तो लेट्स स्विच टू फुल स्क्रीन। ये है आपका, देन आगे ये प्रोसेस अकाउंट, देन आगे ये फॉर्मूला वाला चीज। ओके अब यहाँ पे आते हैं, अगर अभी हम यहाँ पे देखेंगे तो अब नॉर्मल लॉस क्लियर किया है, अब एब नॉर्मल गेन करके भी है। मैं काम करता हूँ, एब नॉर्मल गेन आपको क्वेश्चन के साथ समझाता हूँ, किसके साथ, क्वेश्चंस के साथ समझाता हूँ जो अभी हम लोग करेंगे। ओके बस अपने को कुछ स्टेप्स लिखने हैं, तो मैं स्टेप्स लिखाता नहीं, मैं बोल देता हूँ, तुम अपने बुक में लिख दो जो जो स्टेप्स है करके। हाँ मैं फटाफट स्टेप्स बोलता है, अगर आपको लिखना है तो मैं गारंटी देता है तुम लोग को स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुमको याद हो जाएगा मेरे साथ। बट फिर भी इफ़ यू वॉन्ट टू राइट स्टेप्स, मैं बोलता हूँ वैसे लिखना। फर्स्ट स्टेप नंबर वन, रिकॉर्ड इनपुट ऑन डेबिट साइड, रिकॉर्ड इनपुट ऑन डेबिट साइड। स्टेप नंबर टू, रिकॉर्ड अदर एक्सपेंसेस ऑन डेबिट साइड। ओके सर। स्टेप नंबर थ्री, रिकॉर्ड नॉर्मल लॉस ऑन क्रेडिट साइड। स्टेप नंबर फोर, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या रहेगा, तो जो भी चीजें आपने लिखी है ना क्रेडिट में, डिवाइडेड माइनस डेबिट वाली चीज है, दैट इज अमाउंट डेबिट माइनस क्रेडिट, क्वांटिटी डेबिट माइनस क्रेडिट, यू विल गेट सीपीयू कॉस्ट पर यूनिट। फोर्थ स्टेप फॉर्मूला। फिफ्थ स्टेप क्या लिखने का, नॉर्मल लॉस एक्चुअल आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज फिफ्थ स्टेप, आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। स्टेप नंबर सिक्स, क्लोज प्रोसेस अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आएगा, इफ बैलेंसिंग फिगर इज ऑन डेबिट साइड इट इज एबनॉर्मल लॉस, सॉरी क्रेडिट में आया था इट इज एबनॉर्मल लॉस, और डेबिट में आया तो एबनॉर्मल गेन। वैसे मैंने आपको बता ही दिया था इसको एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं ऊपर, लेकिन अभी याद रखने के लिए, ऊपर का वर्किंग बनाने की अभी जरूरत नहीं है, अभी तुमको फटाफट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने का ये बताएगा। इतना हम लोग ने देख लिया यहाँ पे। ओके सो लेट्स स्विच एंड करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व, मॉड्यूल का एक हद क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, चलो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन होगा। अच्छा गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर टू से, स्टडी मटेरियल के अंदर अगर आप देखोगे तो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर टू, विच इज़ क्वाइट ईजी। आई एम नॉट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर वन, बिकॉज जो एकदम टू थ्री करेगा तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन नंबर वन आ ही जाएगा। सो आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर टू। सबसे पहला चीज़, कितना प्रोसेस है सर, तीन प्रोसेस है, इसका मतलब सर तीन तीन प्रोसेस अकाउंट बनाना पड़ेगा। सही सोचा तुम लोगों ने, एकदम सही सोचा। चलो आगे, अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू थ्री प्रोसेसेस। ओके सर, तीन प्रोसेस बनाएंगे, मैं पहला एक दो बनाएगा फिर तुम मेरे को मदद करेगा। द आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस इज ट्रीटेड एज द रॉ मटेरियल ऑफ द नेक्स्ट प्रोसेस। समझ में आता है, एक प्रोसेस का आउटपुट है वो दूसरे के लिए इनपुट रहेगा, रॉ मटेरियल रहेगा, टू विच इट इज ट्रांसफर्ड, एंड आगे जो लास्ट प्रोसेस होता है ना उसका आउटपुट क्या होता है, फिनिश गुड्स। जो फाइनल एग्जामिनेशन है उसका आउटपुट क्या रहेगा, सी ए सीधा। तो आउटपुट ऑफ द थर्ड प्रोसेस, बिकॉज ये लास्ट प्रोसेस है, इज ट्रांसफर्ड टू फिनिश गुड्स। सर समझ में आता है, अभी डेटा मटेरियल है, लेबर है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है। अगर मैं सिंपल बोलूँ, ये स्टेप नंबर वन है, ये स्टेप नंबर टू है सर, इतना भी समझ में आता है। रिकॉर्ड इनपुट ऑन डेबिट साइड, स्टेप नंबर टू रिकॉर्ड एक्सपेंसेस, डन। स्टेप नंबर आगे पढ़ते हैं, और 10,000 यूनिट्स हैव बीन इशूड टू प्रोसेस वन आफ्टर प्रोसेसिंग। तो प्रोसेस वन के अंदर इनपुट कितना किया गया है, 10,000 यूनिट्स का, ये स्टेप नंबर वन ही है, बस ये क्वान्टिटी है। ये अमाउंट के कॉलम है जो आपके पलटे ये वाले दिए हैं, वो अमाउंट के कॉलम है, लेकिन अच्छा सो अगर आप देखोगे तो ये क्वांटिटी है 10,000 जो मैंने लिख दी है, और ये आपके अमाउंट्स के कॉलम है। ओके आगे, द आउटपुट ऑफ द ईच प्रोसेस इज एज अंडर, हर प्रोसेस का आउटपुट भी आपको दे दिया गया है। अच्छा चलो आगे पढ़ते हैं, देन प्रोसेस वन, प्रोसेस टू, प्रोसेस थ्री, द आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस इज एंड एज अंडर, ये स्टेप नंबर फाइव है। कौन सा आउटपुट है सर, या एक्चुअल आउटपुट है, अगर आपको याद दिला दूँ तो, क्या एग्जाम में फटाफट स्टेप याद हो जाने चाहिए। वेन आई से नॉर्मल लॉस, ये स्टेप नंबर थ्री, मैंने लॉजिक बता दिया बट स्टेप वाइज थोड़ा ईजी पड़ता है। नॉर्मल लॉस अपन थर्ड स्टेप में लिखते हैं, वो परसेंटेजेस दे दिया है। आगे, नो स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई, नो स्टॉक ऑफ मटेरियल और डब्ल्यू आई पी वॉज लेफ्ट एट द एंड। अच्छा मतलब डब्ल्यू आई पी नहीं है, ये इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला है डब्ल्यू आई पी रहेगा तब क्या होगा, हम देखने वाले हैं वहाँ पे फीफो लिफो। इक्विवेलेंट आउटपुट नाम की चीज़ होती है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द फिनिश गुड्स। चलो तो तीन प्रोसेस बनाने का और फिनिश गुड्स का कॉस्ट निकालने का एक एक करके। सो लेट अस स्टार्ट प्रिपेयरिंग ईच एंड एवरी प्रोसेस वन बाय वन। ओके कूल। अच्छा गाइस, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर टू, जो भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। मैं काम करता हूँ, मैं प्रोसेस अकाउंट बना देता हूँ, तुम लोग भी फटाफट प्रोसेस अकाउंट बना दो, बूम। तो जादू करते हैं, क्या करते हैं जादू, अभी अगर हुआ नहीं है तो
ओके तो स्टार्ट करते हैं, ज़रा देखते हैं यहाँ पे प्रोसेस अकाउंट मैंने बना दिया गया है। बस कुछ एक चीज़ रह गया था उसको भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप लिख दोगे यहाँ पे लिख देंगे पर्टिकुलर्स देन क्वांटिटी देन अमाउंट देन आई विल से पर्टिकुलर्स देन क्वांटिटी then amount and then let's get started boom step number 1 record input material। चलो क्वेश्चन देखो फटाफट फटाफट, ये देखो 10,000 था। अच्छा क्वेश्चन को थोड़ा सा, ये 10,000 था इधर लिखा हुआ था, देखो इधर 10,000 रुपया लिखा हुआ था। ओके अभी पेन चेंज कर देते जिस सबको हाईलाइटेड वाला ज़्यादा अच्छे से समझे, कलर चेंज। ओके डन। सो देखो अभी 10,000 यूनिट्स कहाँ पे लिख देते हैं, वहाँ पे जाके लिख देते हैं इनपुट मटीरियल में। सो यहाँ पे आते हैं टू इनपुट मटेरियल, चलो लिख दो आप मेरे साथ टू इनपुट मटेरियल। मैं मैट लिख रहा हूँ तो मटर लिख दो पूरा। हाउ मेनी यूनिट्स सर, 10,000 यूनिट्स मशीन में गया। अच्छा और उसका कॉस्ट कितना था, तो इधर दे दिया 40,000। तो चलो फटाफट लिख दो 40,000। सो क्या नहीं, 40,000 का मेरा खर्चा हुआ है, यस सर। और ये मशीन में जब गया तो उसके ऊपर लेबर भी लगा है, ओवरहेड भी लगा है, तो टू लेबर कॉस्ट और वेजेस आप बोल दो सेम ही होता है, एंड देन टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो यहाँ पे यूनिट्स नहीं आते आपके, वैल्यू कितना कितना रुपया खर्चा हुआ है देखो, 6,000 और 10,000। डन सर, तो लिख देते हैं 6,000 एंड 10,000। डन। सो फर्स्ट इनपुट मटेरियल इज रिकॉर्डेड। स्टेप नंबर 2, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। नाउ यू नीड टू गो फॉर नॉर्मल लॉस, जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है कि इतना कितना 2% है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और लिख देता हूँ यहाँ पे बाय नॉर्मल लॉस विच इज 2% ऑफ इनपुट। तो मेरे को बताओ मशीन में गया कितना है 10,000, तो 10,000 का 2% आपका लॉस कितना हुआ रहेगा, 10,000 का 2% 200 सर। और इसको मार्केट में बेचेंगे तो कितना रुपया मिलेगा देखने का क्वेश्चन में। सर किधर भी स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया, अगर आप पढ़ना पूरा अच्छे से, नाउ वेयर इट इज मेंशन कि स्क्रैप वैल्यू इतना है, तो नहीं दिया है ना, तो कुछ अज्यूम नहीं करने का, इट इज प्रेफरेबल। अगर कुछ नहीं बोला है मतलब स्क्रैप वैल्यू क्या है, निल है, कुछ नहीं मिल रहा पैसा। कभी कभी कुछ वेस्ट ऐसा होता है जिसका कुछ भी पैसा नहीं मिलता करके। सो डन सर, दिस इज डन। नाउ स्टेप नंबर 4, फॉर्मूला। चलो फॉर्मूला पे आते हैं, मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, तुम भी लिख लो पॉज करके चाहिए तो। फिर ऊपर जाते हैं और देखते हैं टोटल कॉस्ट, तो डेबिट साइड में जाने का 40,000 प्लस 6,000 प्लस 10,000 56,000 सर। सो 56,000 माइनस, उसमें से कितना रुपए रिकवर होने वाला है, निल सर, कुछ भी पैसा नहीं मिलने वाला। दैट एंटायर इज माय कॉस्ट ओनली। ओके डिवाइडेड बाय इनपुट क्वांटिटी देखने का 10,000, मशीन के अंदर 10,000 यूनिट्स गया था जिसमें से कितना यूनिट्स खराब होने का हमने सोचा था 200। अकॉर्डिंगली यू इफ यू कैलकुलेट 56,000 डिवाइड बाई 800 दैट कम्स टू ₹70। ये एक यूनिट का कॉस्ट है, कॉस्ट पर यूनिट है ये। अच्छा तो ये आ गया स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 5 सर, आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। तो आने का यहाँ पे और लिख देने का बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस टू। अगर मैं इसका कैलकुलेशंस करूं सर, आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस टू की बात करेंगे, तो यहाँ पे देखना कितना आप ट्रांसफर कर रहे हो। वापस क्वेश्चन में जाने का, एक्चुअल आउटपुट आपने कितना ट्रांसफर किया है, आउटपुट 9750। तो यहाँ पे आने का 9750 इंटू हर यूनिट का कितना रुपया है, 70 रुपीज़ है, दैट्स इट। सो 9750 इंटू 70 दैट कम्स टू 6 कुछ गलत तो नहीं किया, एक बार कैलकुलेशंस कर देते। 56,000 डिवाइडेड बाई 9,800, अरे ये तो फ्रैक्शन में आता है, एक सेकंड, मैंने बोला था अपना गलती होते रहता है करके। तो देखना यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये प्रोसेस वन है तो इसका रेट देखो ऐसा आता है, और अपना गलती से कुछ जीरो इधर उधर हो गया। तो मैं वापस करता है, 56,000 डिवाइडेड बाई 9,800 रुपीज़ 5.7143। अच्छा क्या करने का हमेशा मालूम है, इसके अंदर हमेशा इट इज़ प्रेफरेबल इफ़ यू टेक 4 डेसिमल्स। कितना डेसिमल लेने का, 4 सर। क्यों 4 डेसिमल लेने का, 4 डेसिमल लोगे तो आंसर आपका एग्जैक्टली मैच करेगा, बेटर रहेगा, इट इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल। मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी बोला था, अगर अपने को टैली कराने का है, थोड़ा नियर बाय आंसर आने का है, कितना डेसिमल लेने का 4, कहीं और पे 2 भी ले सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और प्रोसेस में तो बाई डिफॉल्ट अपने को 4 ही डेसिमल लेने का। तो ठीक है
5.7143, तो ये 90 को हटा देते, थोड़ा एरर हुआ था कि तुम्हारे बिना है ना मैं गलती करेगा तो तुमको ऐसा ध्यान देना है, तो 5.7143 चलो मल्टीप्लाई करते हैं, सो 9750 इंटू, अब वापस वो जीरो कर देने का फिर, इंटू 5.7143 कितना आ जाता है, 55714 आ जाता है। अच्छा ओके, एंड फाइनली यू जस्ट हैव टू क्लोज प्रोसेस अकाउंट स्टेप नंबर 6। वापस में एक बार बोलता है, स्टेप नंबर 1 पूरा दिमाग में फिट इनपुट रॉ मटेरियल, स्टेप नंबर 2 अदर एक्सपेंसेस, स्टेप नंबर 3 नॉर्मल लॉस, स्टेप नंबर 4 सीपीयू, और स्टेप नंबर 5 आपको लिखना है आपका एक्चुअल आउटपुट, एंड लास्ट स्टेप स्टेप नंबर 6 क्लोज प्रोसेस अकाउंट। चलो फटाफट प्रोसेस अकाउंट को क्लोज करते हैं, हमेशा क्वांटिटी से पहले शुरू करने का। 10,000 इधर है, इधर का टोटल हमारा क्वांटिटी का 200 प्लस 9750 9950 आ रहा है, तो ये 10,000 वाला हाईएस्ट है, इधर लिख देने का 10,000, इधर लिख देने का 10,000 एंड 9950 माइनस किया तो बचा कितना सर, 50 बचता है, 50 तो इधर आया, मतलब इफ बैलेंस इज ऑन क्रेडिट साइड इट इज एबनॉर्मल लॉस। ओके, और अगर वैल्यू वाइज बात करें तो अगेन 40,000 प्लस 6,000 प्लस 10,000 56,000 अपना एग्जाम में टाइम बचेगा, इससे अभी माइनस 551714 माइनस, अच्छा तो 286 आ गया। अच्छा अगर तुमको क्रॉस चेक करना है कि ये तुम्हारा जो बैलेंसिंग फिगर तुमने लिया है इसका क्या है, ये सही है कि नहीं, तो एक काम कर देने का 286 को है ना डिवाइड करो 50 से, तो ऑन एन एवरेज 5 point something रेट आना चाहिए, 5.72 आता है, मतलब वो ऑन एन एवरेज बराबर है जो ऊपर सीपीयू वाला रेट है करके। सो डन सर, वी आर प्रोसेस 1 से अपन डन हो गए, तुम चाहिए तो अभी अभी ये चीज़, और एक चीज़ मेरे को बताने का है, ये वाला जो आउटपुट है ना, ये वाला आउटपुट ऑफ फर्स्ट प्रोसेस बिकम्स इनपुट फॉर अनदर प्रोसेस। देखो मैंने प्रोसेस 2 भी तुम लोग से पहले बना दिया, इधर जादू है, अब इधर हम देखेंगे, तो इधर बस एक चीज़ करने का है अपने को, ये हटा के प्रोसेस 2 लिख देने का है, दैट्स इट। टेक्नोलॉजी का कुछ तो फायदा होना चाहिए, प्रोसेस टू अकाउंट अभी हम बनाएंगे, तो प्रोसेस टू अकाउंट बना दिया, चलो तुम लोग भी फटाफट फॉर्मेट बना दो। ओके देन, अभी मैं फटाफट वो कुछ पर्टिकुलर, अच्छा पर्टिकुलर्स क्या है, फटाफट इधर ही लिख देते पर्टिकुलर्स, देन आई कैन से क्वांटिटी, कितना मिनट हो गया अपना अभी तक, 52 मिनट्स हो गए, क्वांटिटी अमाउंट देन पर्टिकुलर्स क्वांटिटी एंड देन अमाउंट। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद प्रोसेस 2, तुमको थकने का नहीं है, यू जस्ट नीड टू वर्क हार्ड, अपने को इस बार पास होके ही बताने का है। थक गए हो, थोड़ा सा पानी पियो, मुंह पे पानी मारो, 5 मिनट मेडिटेशन करो, वापस बैठ जाने का, एक ही चीज़ चाहिए, यू कैन नॉट, अपना ह्यूमन का एबिलिटी होता है कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, तो यू हैव टू ट्रेन यूर माइंड कि अपने को कॉन्सेंट्रेट करने का है। चलो शुरू करते हैं प्रोसेस 2 की, अगर हम बात करेंगे तो आउटपुट ऑफ फर्स्ट प्रोसेस बिकम्स इनपुट फॉर अनदर प्रोसेस, प्रीवियस पेज पे टर्न मारने का, कितना है सर देखो इधर 9750 55714, आप देख सकते हो 9750 55714, ये मॉड्यूल से खाली मैं कंफर्म करा रहा हूँ, 9750 55714, एक एक करके लिखते जाने दो, 9750 पहले, 9 ब्लैक कलर 9750 ओके डन, दूसरा अपना है 55714, इसको हम लोग क्या बोलेंगे 2 बाई, तो यहाँ पे आउटपुट था, तो यहाँ पे इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1, ये प्रोसेस 1 से आया करके ऐसा हम लोग बोल देंगे, यस सर डन बूम। अब स्टेप नंबर 1 अपना वापस रिकॉर्ड किया, स्टेप नंबर 1 इनपुट रिकॉर्ड कर दिया, हाँ वहाँ पे इनपुट मटेरियल था जो आ रहा था, अभी यहाँ पे हम लोग बोलेंगे जो प्रोसेस 1 से आ रहा है इनपुट। अभी स्टेप नंबर 2 क्या है, एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने का, क्वेश्चन देखो, अच्छा मटेरियल दिया गया है देखो यहाँ पे, तो आई कैन से 2 material then 2 labor और क्या है manufacturing overhead का मतलब ये होता है factory overhead, तो either you can write that or you can write factory overhead, बात एक ही है, so no amount, आपको सीधा खाली value लिखना है। सर ऐसा कैसा material लगा लेकिन quantity नहीं बढ़ा रहे, हो सकता है ना कपड़ा आया और उस कपड़े के ऊपर आपने एम्ब्रॉयडरी किया, तो कपड़े का मीटर उतना ही कपड़ा मीटर है, खाली ऊपर हम एम्ब्रॉयडरी हुआ है, तो ये वो मटेरियल है जिससे क्वांटिटी नहीं बढ़ रहा है, खाली एम्ब्रॉयडरी हो रहा है उसके ऊपर। तो सेम वे देखते हैं वैल्यूज, 20,000 4,000 10,000, सो फट फट 20,000
देन आई कैन से 10,000 20,000 10,000 एंड देन वी कैन से 4,000 ओके सर डन समझ में आता है 20, 10, 4, 24, 10 है ना मैं भी है ना ओके सो यहाँ पे क्या है एक एक करके लिखते ज़्यादा घाई नहीं हावड़ागिरी नहीं करने का सब गलत हो जाता है 4,000 देन 10,000 सो गाइस फाइनली वी आर डन विद दिस ओके सो वी आर डन विद स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 स्टेप नंबर 3 इधर जाने का बाय और क्या लिख देने का नॉर्मल लॉस चलो फटाफट नॉर्मल लॉस कितना सर परसेंटेजेस देखो ना एग्जाम इधर स्टेप नंबर 2 में ये 5% है तो ठीक है 5% किसका सर 9750 जो मशीन में इनपुट हुआ है उसका 5% लॉस हो जाएगा तो 9750 का इंटू 5% 488 राउंड ऑफ कर देते क्वांटिटी ऐसा वो लोग कुछ भी करे अपन राउंड ऑफ करते देखो फिर भी 488 अगर हम देखेंगे नाउ नो स्क्रैप वैल्यू इज देयर इन द क्वेश्चन तो स्टेप नंबर 1 हो गया स्टेप नंबर 2 स्टेप नंबर 3 नॉर्मल लॉस हो गया स्टेप नंबर 4 क्या करने का चलो फटाफट कैलकुलेशंस करने का लेट अस ऐड दिस ये वाला पार्ट ऐड करो 55714 प्लस 20,000 प्लस 4,000 प्लस 10,000 दैट इज 89714 क्या मैं बहुत बार कैलकुलेशन में एरर करता है ना तो अपने को मॉडल में खाली चेक करना पड़ता है अपन ने बराबर किया है कि नहीं अच्छा अच्छा देन यहाँ पे निल है चलो वापस आते हैं ऊपर 9750 माइनस 488 समझता है 488 ओके चलो कैलकुलेट करो पहले मैं 9750 माइनस 488 एम प्लस में लेके जाता हूँ देन 89714 डिवाइड बाय एम प्लस से बाहर निकाल दिया तो रेट आया मेरा रुपीज़ 9.6862 लेटेस्ट चेक नहीं तो ऐसा ही क्या 6862 चलो बराबर किया अपन ने मतलब कैलकुलेशन अपने को आता है बराबर है बूम अब नॉर्मल लॉस लिखने के बाद गाइस हम थक चुके हैं फिर भी हमें लिखते ही जाना है बाय आउटपुट ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस अभी कौन सा 3 कितने यूनिट्स अपन भेज रहे आगे अपन भेज रहे वो तो क्वेश्चन में देखना पड़ेगा देखो ना जरा कितने यूनिट्स अपन भेज रहे 9400 तो चलो लिख देते हैं 9400 इनटू अपना रेट कितना है तो 9.6862 सो 9400 इनटू 9.6862 बूम दैट कम्स टू अरे बाप रे छोटा सा ये है 9050 दैट्स इट सो वंस दैट इज़ डन We just need to close the process account 91051 वो ठीक है वो मॉडल कभी एक रुपये इधर उधर कर देता है लेकिन यही आंसर आता है अभी तुमको क्या करना है जस्ट टेक द टोटल अच्छा टोटल लेने से पहले क्रेडिट साइड का क्वांटिटी का टोटल ले लो ये वाला कितना आता है 9400 प्लस 488 दैट इज़ कितना 988 ज़्यादा है इस बार क्रेडिट साइड ज़्यादा है अरे बाप रे तो ये हो गया अपना 9888 इधर आ गया 9888 जस्ट सब्सट्रैक्ट माइनस 9750 यू गेट 138 देन इफ यू ऐड दिस 91050 देन ऊपर वाला चीज माइनस करने का 91050 माइनस 55714 माइनस 20,000 माइनस 4,000 माइनस 10,000 एंड हियर वी गो 1336 व्हाट विल यू से टू दिस सर 2 Abnormal gain. Why sir gain? Logically समझना है तो सर इसको gain ही क्यों बोला बहुत लोगों के दिमाग में ऐसा है कि सर ऐसा gain क्यों बोला तो ये भी समझाते हैं मैंने नहीं समझाया था तो ये gain क्यों बोला ये भी समझ लेना ज़रा ध्यान से सुनना भी और ऐसा है मशीन में कितना गया है सर 9750 समझ में आता है माइनस बाहर कितना आया है 9400 माइनस करो ज़रा 9750 माइनस 9400 कितने का लॉस हुआ है 350 ये एक्चुअल में लॉस हुआ है 350 का और लॉस मैंने सोचा कितना था 488 488 का लॉस सोचा था लेकिन 488 का तो हुआ ही नहीं
तो हुआ कितने का, 350 का। तो 488 माइनस 350 कितने का लॉस नहीं हुआ, 138 का, जो सोचा था लेकिन लॉस नहीं हुआ वो हो गया गेन, जो लॉस सोचा था लेकिन नहीं हुआ, और जो लॉस नहीं सोचा था और हो गया वो एबनॉर्मल लॉस, और जो लॉस सोचा था नॉर्मली होगा लेकिन वो नहीं हो गया, तो इतने लिए फायदा हो गया अपने लिए। या तो तुम ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं देने का, सीधा डेबिट में आ गया ना, क्या है ना, दो तरह के स्टूडेंट होते, एक तो लॉजिक समझते, दूसरा अपने को फॉर्मेट चाहिए, अपन दोनों तरीके से बताते हैं। अच्छा तो फाइनली वी आर डन विद दिस, नहीं नहीं करके इसमें भी अपना एक घंटा तो निकल गया। अभी अपने पे जाते हैं प्रोसेस 3 पे और इसको ख़त्म करते हैं फाइनली ये वाला कंसेप्ट। तो यहाँ पे आते हैं प्रोसेस थ्री और फॉर्मेट वाइज अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर पर्टिकुलर्स, देन क्वांटिटी, देन अमाउंट, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, देन अमाउंट। अच्छा इतना होने के बाद अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ टू इनपुट रॉ मटेरियल की, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू इनपुट फ्रॉम प्रोसेस टू। अगर आप देखोगे तो कितना रहेगा जो उसका आउटपुट रहेगा, तो लेट्स टर्न द पेज। देखो ये वाला चीज़ 9400, एक एक करके लिखते हैं, 9400, 9400 एंड देन बच्चों को ज़रा देखना यहाँ पर 91050 नाउ यू जस्ट नीड टू रिकॉर्ड योर अदर एक्सपेंसेस। अच्छा तो स्टार्ट करते हैं इसमें, अभी दूसरी चीज़ें लिखना अपना। अगर हम यहाँ पे लिखते जाए तो अपना टू वापस मटेरियल, देन टू लेबर, देन टू फैक्ट्री ओवरहेड। चलो फटाफट लिख देते हैं, क्वेश्चन देखो, छापो ये तीन चीज़ें, 10, 1, 15 15,000। देन यहाँ पे आ जाएगा आपका बाय नॉर्मल लॉस, उसके परसेंटेजेस देख लेते हैं, उसके परसेंटेजेस कितने हैं सर, 10% है, तो चलो जाते हैं और हम 9400 के ऊपर 10% अप्लाई कर देते हैं, तो 9400 इंटू 10% दैट इज़ 940, नो स्क्रैप वैल्यू होती तो वो लेस कर देते हैं। चलो फटाफट फॉर्मूला में अपना फॉर्मूला निकालो, टोटल मारो, 91050 प्लस 10,000 प्लस 1,000 प्लस 15,000 एंड हियर वी गो 117050 माइनस, नो स्क्रैप वैल्यू सर, ओके, डिवाइडेड बाय, ये क्या है ना, लाइन है ना अपना, और ये ऐसा जमता नहीं है इस चीज़ का अपना, तो ये लाइन कभी कभी सही नहीं जाता, अपना लाइन बराबर कभी लगा ही नहीं है। ओके अब ओके डोंट टेक अदर वे राउंड, सो 9400 माइनस 950 नॉर्मल लॉस, चलो 9400 माइनस 940 एम प्लस 117050 डिवाइडेड बाय रेट आता है 13.8357। एक बार मॉड्यूल के साथ चेक करते हैं, ऑलमोस्ट यही आ रहा है क्या, क्या है ना अपना कैलकुलेशन खाली गलत होता है इसलिए 13.8357। अच्छा ठीक है, वो 58 वो और 57 वो उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता, नो वो एक आध रुपये इधर उधर मॉड्यूल कर देता है कभी, वो ठीक है, दैट डजंट मतलब उसमें ऐसा कुछ इतना ये नहीं है। बाय आउटपुट ट्रांसफर्ड टू, अभी क्या लिखने का, फिनिश गुड्स, क्यों, बिकॉज ये लास्ट प्रोसेस है, ये भूलना मत, दिस इज लास्ट प्रोसेस, सो यू नीड टू राइट फिनिश गुड्स करके, ये आउटपुट फिनिश गुड्स में जाएगा। अब इसके अंदर अगर हम क्वांटिटी लिखेंगे तो सर क्वांटिटी देखने का, कितना एक्चुअल में आउटपुट बनाया है इन्होंने, क्वेश्चन देखने का, 8000 बनाया तो ठीक है ना, 8000 इधर आते हैं, 8000 इंटू, चलो करो फटाफट रेट, 13.8357 ही है तो चलो करते हैं, 8000 इंटू 13.8357 सो दैट कम्स टू 11086 बहुत छोटा लिखा गया, बट तुमको अगर देखने का रहेगा तो 110686 और यूनिट्स कितने थे, 8000 सो
8000 यूनिट्स लिख दिए. नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी जस्ट नीड टू क्लोज द प्रोसेस अकाउंट. अच्छा सो अपने को बस प्रोसेस अकाउंट को क्लोज करने का है. चलो पहले देखते हैं, इधर 8000 है, 8000 प्लस 940 दैट इज 8950 है, मतलब इधर का शॉर्ट ये ज़्यादा है ना, 9400 ज़्यादा है. तो चलो 9400 माइनस 940 माइनस 8000 आया कितना, नल. अरे वाह बहुत सही बात है, नो नॉर्मल, कुछ एबनॉर्मल लॉस वगैरह नहीं है, एग्जैक्टली टैली हुआ है. देखते हैं अगर मैं देखो ये एक सेकेंड, कुछ 940 प्लस 8000 तो 8950 है, कैसे टैली होएगा, 9400 460 का डिफरेंस आता है, कुछ भी 460 का डिफरेंस आता है अपना. इधर आ जाएगा बाय एबनॉर्मल लॉस. चलो टोटलिंग भी कर लो, ऊपर वाला टोटलिंग मेरा किया हुआ है, मैं वापस मेहनत नहीं करता. 117050 ये कॉलम थोड़ा छोटा बन गया है, 117050 तो 117050 माइनस 110686 कितना आता है, एक आप कम कर सकते हो, 6364 डिवाइडेड बाय 460 कर दो, रेट ऑलमोस्ट 13 पॉइंट समथिंग आना चाहिए. यस फिर भी क्या है, माई बाप से चेक कर लेते हैं, माई बाप बोले तो मॉड्यूल कितना है, नॉर्मल लॉस 466364. यस तो फाइनली वी आर डन. सो फाइनली वी आर डन विद दिस पार्ट. आई कैन से दैट अपना ये वाला पार्ट हो गया है जो रिकॉर्ड करना था अपने को, किस चीज़ का, अपना प्रोसेस कॉस्टिंग का, अपना नॉर्मल वाला क्वेश्चन. अभी मैं आपको बता दूँ ना, तो देखो जैसे मैंने आपको बोला था, सुनना अभी देखो मैंने आपको इसमें से कौन सा करवा दिया है. अच्छा सी वट आई डिड इज आई डिड दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू. मैं क्या बोलता हूँ, मालूम है क्या, क्वेश्चन नंबर वन तुमको करने का जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है, फिर भी देखना है तो देख सकता है. क्वेश्चन नंबर टू करना अगर आई डोंट थिंक उसमें भी कुछ डाउट आना चाहिए करके, वो भी ईजी ही है करके, इतना ऐसा डिफिकल्ट नहीं है आपका, वो समझ जाएगा आपको करके, वो इतना ये नहीं है. अच्छा मैं खाली एक दो चीज़ तुमको समझा देता है, एक अकाउंट्स इसके बारे में, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ जो बता देता है. अगर उन्होंने क्वेश्चन में गलती से मान लो आपको पूछा है प्रिपेयर अ नॉर्मल अकाउंट एंड एबनॉर्मल लॉस अकाउंट तो कैसे बनाने का, वो चीज़ मैं आपको बता देता है. देखना अगर आपको क्या पूछा है, नॉर्मल लॉस अकाउंट एंड एबनॉर्मल लॉस अकाउंट पूछा है तो हाउ टू प्रिपेयर दैट अकाउंट, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं करके ईजिली. अच्छा देखना किसकी बात करते, प्रोसेस वन पे जाते हैं, प्रोसेस वन पे जाते हैं, मैं एक एक करके इंडिविजुअली बताता है. लेट अस से प्रोसेस वन की बात करते हैं इतना समझने के बाद. अब प्रोसेस वन का देखना, अब जगह खाली है करके. अच्छा चाहिए तो अच्छा सो यहाँ पे अपने पास जगह खाली है. देखो यहाँ पे इस पेज पे मैं एक अकाउंट बना देता हूँ, दो अकाउंट्स बना देता हूँ, दो मिनट टाइम दो. अच्छा तो देखना ज़रा, मैंने एक नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस वाला अकाउंट बनाया है आपको समझाने के लिए, ज़रा ध्यान देना जिससे मैं आपको थोड़ी चीज़ें क्लैरिफाई कर पाऊँ, जिससे मेरे को आपको नेक्स्ट क्वेश्चन टू नंबर कराने की जरूरत नहीं पड़े, वैसे ही हो जाएगा. फिर नेक्स्ट सेशन में सीधा मैं इक्विवेलेंट से आई कैन स्टार्ट करके प्लीज़ प्रैक्टिस दिस. ओके नाउ लेट अस से फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को ये पता है कि सेकंड इफेक्ट कैसे देने का. अच्छा सबसे पहली चीज़ ये, अगर मैं इस अकाउंट की बात करता है तो अपने को ये पता है कि सर ये अकाउंट कैसे बनता है, इसके 6 स्टेप अपने को याद है. अभी क्या करने का, ये और ये जो आपको दिख रहा है ना. अच्छा लेट्स स्टार्ट विथ प्रोसेस वन, पहले यहाँ पे आते हैं, प्रोसेस वन यहाँ पे है. अच्छा सो अब मैं यहाँ पे क्या बात करता है, आपको यहाँ पे नॉर्मल लॉस दिख रहा है, यस सर. क्या आपको एबनॉर्मल लॉस दिख रहा है, यस. इसका सेकंड इफेक्ट दे दो, इसका अकाउंट बना दिया है, सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाता है, अपोजिट साइड पे. तो मैं यहाँ पे देखो नॉर्मल लॉस के डेबिट में जाके लिख देता हूँ टू, यहाँ पे लिख देता हूँ टू प्रोसेस वन, फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वापस टू प्रोसेस वन टू बाई. तो ये अभी वहाँ से अगर मैं देखेगा कितना यूनिट्स आएगा, पहले 200 और निल, तो स्क्रैप वैल्यू नहीं है. अच्छा ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ये मैं आपको नहीं समझा पाऊँगा बिकॉज इधर स्क्रैप वैल्यू नहीं है करके. अगर इधर स्क्रैप वैल्यू होता ना तो मैं आपको नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट अच्छे से समझा पाता करके. सो मे बी आई विल सॉल्व अ क्वेश्चन सो दैट यू विल हैव अ आइडिया. चलो या नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में आपको किसी दूसरे प्रोसेस अकाउंट वाला पार्ट आएगा मैं तब भी समझा देगा, अभी के लिए अपना इतना यहाँ पे काफ़ी है. ये वाला पार्ट जो होता है
अगर अपने को सॉल्व करने का है, दैट्स इट। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये करेंगे, इक्विवेलेंट वाला पार्ट हम लोग कवर करेंगे करके। ओके, वी आर डन इन दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू।